सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माई चैनल अनिल एनिमेटर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। फिर मैं एक आ गया हूँ नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सात आदतें आदमी की ऐसी जो कभी उसे अमीर नहीं बनने देती हैं, यानी कि हैबिट्स ऑफ पुअर पीपल बिहाइंड देयर पावर्टी। तो आज हम आपको गरीब सोच के बारे में बताने जा रहे हैं, ये किन लोगों में पाई जाती है। और आपको ये पता लग जाएगा कि जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये जो आते हैं ये जो हैं, तो ये सिक्स हैबिट्स हैं जो हाईली इफेक्टिव जिससे के पीपल होते हैं। तो चलिए फर्स्टली बात करते हैं गरीब लोगों की पहली आदत जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती, वो क्या चीज़ है। पहली चीज़ जो गरीब लोग देखना पसंद करते हैं वो है स्पोर्ट्स। खेलना नहीं सिर्फ देखना, और ये कई घंटे हमारे ख़राब कर देता है। केवल उस बात उसकी बातें करके और उस मैच को मैच ख़त्म हो जाता है, और मैच के बाद प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। और लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप उस खेल से जुड़े ही हुए नहीं हैं, तो आपको उस खेल से इतना लगाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी अमीर रिच पीपल हैं, वो कभी भी टीवी के सामने बैठकर मैच देखते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वो अपना टाइम नहीं वेस्टेज करते हैं। उन्हें अपनी टीम खरीदी हुई है, तो आपको ग्राउंड पर ही दिख जाएगा। और अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, तो आप देखें फिजिकल फिटनेस के लिए मैं भी खेलता हूँ और खेलना बहुत अच्छा है। लेकिन जिन टीमों के लिए गरीब लोग झगड़ा करते हैं, वो करोड़ों रुपए कमा ले जाते हैं, क्योंकि ये उनका बिजनेस है। सेकेंडली बात करूँ तो सोशल मीडिया। अधिकांश गरीब लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसके पसंदीदा सीरियल भी होते हैं, जिनकी वजह से एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। अगर आपको भी टीवी या सीरियल देखने का शो देखना पसंद है, तो इसकी ज़्यादा संभावना चांसेस हैं कि आप गरीब हो, क्योंकि टीवी या सीरियल देखने के लिए जीवन में कोई इक्विपमेंट नहीं होता है। बल्कि टीवी सीरियल से नकारात्मक या नेगेटिव सोच ही पैदा होती है। टीवी सीरियल्स के नेगेटिव कैरेक्टर आपके अपने फैमिली मैटर्स परिवार में दिखने लगते हैं। अगर वो वैसा नहीं होगा, तो भी आप ये सोचोगे कि तो वो वैसा ही है, वैसी ही है। तो ये टीवी सीरियल आपका टाइम तो वेस्टेज कर ही रहा है, साथ ही साथ आपके दिमाग में नेगेटिविटी भी ला रहा है। लेकिन अमीर लोग टीवी देखने के बजाय ये टीवी पर आना पसंद करते हैं, और उन्हीं की सोच उन्हें सफल बनाती है। नंबर तीन, गरीब लोग आलसी होते हैं। गरीब लोग अमीर लोगों से ज़्यादा आलसी होते हैं। ये लोग उस समय तक कोई काम स्टार्ट नहीं करते जब तक इनकी पढ़ाई ख़त्म ना हो जाए, और इनके पापा डैड इनकी कोई नौकरी या जॉब नहीं लगा देते। लेकिन अमीर लोग कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी अमीर आदमी की जीवन की बायोग्राफी पढ़ लो, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया होगा। लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी जवानी में और बाद की उम्र में कभी भी गरीब नहीं होते। अगर आप इसी तरह लेट उठते रहे, ऐसे ही इधर उधर स्टाइल मारने में अपनी जवानी उड़ा दी, तो जब तक आपको समझ आएगा कि आपको कुछ करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि उस समय आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी जो जवानी में रहती है। बात करते हैं नंबर फोर पॉइंट की, गरीब लोग अपनी असफलता की जिम्मेवारी दूसरों पर डालते हैं। वो अपने आप को पीड़ित बताते हैं, मासूम बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, किसी दूसरे की वजह से मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, कंपटीशन की वजह से मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि टीचर अच्छी नहीं थी। पास हो गया तो उसकी टीचर उसकी रिश्तेदार थी। अगर गरीब फेल हो जाते हैं तो उस काम को वो छोड़ देते हैं, लेकिन अमीर लोग फेल हो जाते हैं तो उस काम को फिर से शुरू करते हैं, और तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक कि वो सक्सेसफुल यानी कि लाइफ में सफल नहीं हो जाते। पॉइंट नंबर फाइव, गरीब सोच वाले लोग। गरीब हम नहीं, हमारी सोच है। गरीब सोच वाले लोग हमेशा अमीर और सक्सेसफुल लोगों से जलते हैं। अगर उनके सामने कोई कार निकलेगी तो कहेंगे कि उसने दो नंबर के पैसों से ली है। किसी का भी बड़ा घर हम देखेंगे तो कहेंगे कि उसके ससुराल वाले ने पैसे से बनाया है। किसी भी पैसों से बनाया हो तो आपको क्या। अमीर सोच वाले लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को देखकर सीखते हैं। अगर कोई गरीब अच्छी कार देखकर कहता है कि अच्छी कार है, मैं भी एक दिन खरीदूँगा, बिल वाई सेम बात वो अच्छा
घर देखकर भी करता है, वो सेम बात वो अच्छा घर देखभाल भी करता है। बात करूँ नंबर 6 पॉइंट, गरीब सोच वाले दिखावा करते हैं। हमेशा गरीब सोच वाले लोग होंगे, हमेशा दिखावा करते हैं, गरीब सोच वाले लोग दिखावा करते हैं। अब आप कहोगे कि गरीब लोग क्या कहाँ दिखावा करते हैं, नहीं मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि किसी भी आदमी की सैलरी तो 20,000 है लेकिन वो मोबाइल फ़ोन 50,000 का रखता है। ये चमत्कार कैसे करता है? लोन लेकर लोन लेकर किसे दिखाने के लिए? उसके ही जैसे आपके आसपास के गरीबों पूरों को दिखाने के लिए। गरीब लोग चाहते हैं कि वो अपने आसपास के गरीबों से मिलें तो उनका फ़ोन सबसे अच्छा हो और दूसरे गरीब लोग उसकी तारीफ़ करें कि भाई क्या फ़ोन है। और गरीब लोग अमीर दिखने के लिए अपने बजट से बाहर निकल कर बाउंडेड जूते लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब लोग दिखावे के लिए कई चीज़ें लोन पर लेते हैं, जैसे कि एसी, टीवी, एक कार। अगर किसी रिश्तेदार ने कार ले ली है तो सोच लेते हैं कि वो नीचे एक दर्जा नीचे हो गए हैं, लेकिन ये कैसे भी लोन लेकर ये कार ले आते हैं और बड़ी मुश्किल से ईएमआई चुकाते हैं। अपनी सैलरी से बचा बचा कर जब इनके बॉस को पता चलता है कि ये फंसा हुआ है ईएमआई में, तो जितना चाहे काम करवा लो, नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा और वहाँ पर जॉब में फंस जाते हैं। जबकि अमीर ये सब चीज़ें बिजनेस अकाउंटिंग से खरीदते हैं, उन्हें जिससे इन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आपको शायद ये पता लगता है कि जो कोई दिखावा है, लेकिन अमीर अपनी सिर्फ एक चीज़ पर प्लानिंग करके पैसा खर्च करते हैं। अगर वो कभी लोन भी लेते हैं तो सिर्फ एसेट खरीदने के लिए। एसेट वो चीज़ होती है जो उन्हें पैसा बना कर देती है। उन्हें पता होता है कि जितना पैसा उसमें डालेंगे उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न वहाँ से मिलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो गरीब लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, उनका सोशल स्टेटस नहीं रहेगा और इज्जत नहीं रहेगी। गरीब लोग उधार यानी कि जेनरस लेकर शादी करते हैं या फिर अपनी सारी जमा पूंजी शादी में लगा देते हैं। कहीं लोग ये ना सोचें कि इनका एक ही बेटा है और इन्होंने अपनी इज्जत सिंपल सी शादी की। और एक आखिरी चीज़, गरीब लोग ये सोचते हैं कि महंगी कारों चीज़ों से उनकी इज्जत रिस्पेक्ट होती है, इसलिए वो खरीदते हैं कि उनकी इज्जत आसपास के लोगों में बनी रहे, वो ऐसा सोचते हैं। जबकि अमीर लोग इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अमीर लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, जबकि गरीब लोगों ने वहाँ भी इज्जत रिस्पेक्ट को जोड़ रखा है कि ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है। ये एक अमीर आदमी हर जायज़ काम को जस्टिफाइड काम कर लेता है और ये नहीं सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि किन गरीबों की बात कर रहा था। ये वो गरीब हैं जो जेब से पॉकेट से तो गरीब नहीं है लेकिन सोच से गरीब है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो आप तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप लोगों की वजह से शायद मेरे चैनल और आगे बढ़ पाएगा, ग्रो हो पाएगा। तो दोस्तों, जो मेरा चैनल्स है वो मैं विदाउट एडिटिंग के मैं बनाता हूँ एंड सिंपली इसको रिकॉर्डिंग करके ही मैं यूट्यूब के ऊपर डालता हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।